जीआईएस क्या है, जीआईएस के फायदे क्या है और जीआईएस की गणना कैसे की जाती है। जी हाँ साथियों, नमस्कार, मैं जय डहरिया और आज हम जानेंगे जीआईएस के विषय में बहुत ही सरल शब्दों में। जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस कम सेविंग स्कीम, जिसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर्वप्रथम 1985 में समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। इसके उपरांत 1 अप्रैल 2003 को पुनः इस योजना को पुनरीक्षित कर समस्त शासकीय कर्मचारियों पर लागू किया गया। अब अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों का नवीन शिक्षक संवर्ग में सम्मिलन उपरांत इस योजना का लाभ इन अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को भी प्राप्त होगा। आइए प्रपत्रों के माध्यम से जानते हैं कि आखिर कर्मचारी बीमा सह बचत योजना के लाभ क्या है और इसमें कितनी राशि अध्यापकों की और कर्मचारियों की जमा होगी। आइए जानते हैं प्रपत्रों में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए पूर्व में लागू परिवार कल्याण निधि तथा शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 को पुनरीक्षण कर कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003 का आरंभ किया गया। इसमें यूनिट के आधार पर कर्मचारियों का अंशदान निश्चित किया गया। यहाँ पर हम टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 1 यूनिट, तृतीय के लिए 2, द्वितीय के लिए 4 और प्रथम श्रेणी कर्मचारी के लिए 6 यूनिट का प्रावधान रखा गया। यहाँ पर 1 यूनिट का मूल 100 रुपये निर्धारित किया गया। अब इस अंशदान में कुछ राशि हमारी बीमा के रूप में जमा होती है और कुछ राशि बचत के रूप में जमा होती है। यहाँ पर 35% राशि बीमा के रूप में जमा होगी और 65% राशि बचत राशि के रूप में जमा करने का प्रावधान रखा गया। साथ ही अंशदान जमा करने की स्थिति में यदि दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तब इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 1,25,000 रुपये का रिस्क कवर, इसी प्रकार तृतीय श्रेणी 2,50,000, द्वितीय श्रेणी 5 लाख एवं प्रथम श्रेणी कर्मचारी अधिकारियों के लिए 7,50,000 रुपये का इसमें रिस्क कवर का प्रावधान है। शासन द्वारा जारी रेडी रेकनर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी कर्मचारी का अंशदान जमा हो रहा है तो विभिन्न परिस्थितियों में उन्हें कितनी राशि प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का 1 यूनिट प्रति माह अंशदान जमा हो रहा है, कर्मचारी ने 6 माह तक अपना अंशदान जमा किया और 6 माह उपरांत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो गई या सेवा से पृथक किया गया, तब उन्हें कितनी राशि प्राप्त होगी। 6 माह उपरांत कर्मचारी का मूलधन 390 रुपये और इस मूलधन पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 रुपये की राशि, इस प्रकार से कुल 400 रुपये कर्मचारी को प्राप्त होगा। यहाँ पर राशि की गणना हम यूनिट के आधार पर कर सकते हैं। 1 यूनिट के लिए 400 रुपये, यदि किसी कर्मचारी के द्वारा 2 यूनिट जमा की जा रही है तब यहाँ पर राशि हो जाएगी 800 रुपये और यदि किसी कर्मचारी का 4 यूनिट जमा किया जा रहा है तो यहाँ पर 1,600 रुपये कुल राशि हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी दुर्भाग्यवश कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तब नॉमिनेट उत्तराधिकारी को 400 रुपये या फिर यूनिट के आधार पर जितनी राशि जमा हुई है, जो राशि तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में श्रेणीवार जो रिस्क कवर निर्धारित किया गया है, जैसे चतुर्थ श्रेणी के लिए 1,25,000, तृतीय श्रेणी के लिए 2,50,000, द्वितीय श्रेणी के लिए 5 लाख और प्रथम श्रेणी के लिए 7,50,000 रुपये का रिस्क कवर कर्मचारी को के उत्तराधिकारी को प्राप्त होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, घोषणा पत्र परिशिष्ट 2। जैसा कि हमें पता है कि कुछ अध्यापक साथियों की सड़क दुर्घटना में विगत कुछ दिनों में मृत्यु हुई है, ऐसी परिस्थिति में शासन द्वारा परिवार या उत्तराधिकारी को बीमा का लाभ दिलाने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि कर्मचारी द्वारा घोषणा पत्र परिशिष्ट 2 एवं फॉर्म नंबर 8 नामांकन प्रपत्र भरा गया है या नहीं। सबसे पहले हम घोषणा पत्र की बात कर लें। साधारण सा प्रपत्र है जिसमें 2 शर्तें हमसे लिखाई जाती हैं। पहली शर्त कि बीमा का अंशदान मेरे द्वारा समय सीमा में जमा कर दिया जाएगा। साथ में दूसरी शर्त जो है, यदि नियमित रूप से अंशदान जमा नहीं होता है और इस बीच किसी आकस्मिक घटना से कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है
तो उसमें उत्तराधिकारी को बीमा के लाभ से वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार हमें घोषणा पत्र भर के अपने हस्ताक्षर करना है और साथ ही आहरण संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर करवा के कार्यालय में जमा करना है। दूसरा प्रपत्र फॉर्म नंबर 8 नामांकन प्रपत्र, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। साधारण सा प्रपत्र है जिसमें हमें सबसे पहले नॉमिनी का नाम यहाँ पर फिल करना है, साथ में नॉमिनी से क्या संबंध है उसका यहाँ पर पूरी डिटेल देना है, साथ में नॉमिनी की आयु और प्रत्येक नॉमिनी को आप कितने प्रतिशत हिस्सा देना चाह रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर डालना है। साथ में बीमा जो है किन परिस्थितियों में अविधिमान हो जाएगा उसकी कंडीशन आपको यहाँ पर लिखना है। अविधिमान होने की स्थिति में व्यक्ति का नाम और पता भी आपको यहाँ पर डालना है। इतनी जानकारी भरने के बाद में दो साक्षियों के यहाँ पर आपको हस्ताक्षर और उनके नाम लिखवाना है, साथ में आप स्वयं भी अपना हस्ताक्षर और नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आहरण संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और इसे हमें कार्यालय में जमा करना है। बहुत अच्छा होगा कि आप घोषणा पत्र और नामांकन फॉर्म की एक एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। साथ ही दोनों प्रपत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मिल जाएंगे, आप वहां से इसे बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस मैसेज की जो वर्तमान में सोशल मीडिया में बहुत अधिक वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि कर्मचारियों के वेतन से 600 रुपये से 1500 रुपये प्रति माह की राशि कटौती की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए तक का बीमा रिस्क कवर मिलेगा। साथ ही इसमें एक चीज स्पष्ट है कि बीमा उपरांत कर्मचारियों को किसी प्रकार की बचत राशि दे नहीं होगी, क्योंकि शासन के द्वारा अभी इस प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। यदि आदेश जारी होते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। साथियों, जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट कर अपने सुझाव जरूर दें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।